वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिएगा। क्या आपके बाजू में भी झोल आता है? अगर आता है तो सबसे पहले अपने सूट में से या कुर्ती में से बाजू उधेड़ लीजिए। जैसे मैंने ये दोनों साइड के बाजू उधेड़ ली। सबसे बड़ी बात है, इस बाजू को आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो बाजू की जो कैप की शेप होती है वो मैं कैसे बनाती हूँ, वो जैसे मैंने सिखाया है आपको ऐसे करके बनानी है। और ऊपर से जो कैप के लिए हम छोड़ते हैं, ऊपर से लेकर कैप तक हम जो निशान लगाते हैं वो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो आपके बाजू की शेप भी सही नहीं आएगी और यहाँ से इस तरह से चुन्नटें पड़ेंगी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में। आप देखिए, ये मैंने अल्ट्रेशन भी की थी, उसके बाद भी मैंने देखा कि यहाँ पे झोल आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, इस बात को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा कर देखा तो इसकी शेप यहाँ से बिल्कुल अच्छी नहीं दी हुई, जो शेप होनी चाहिए बाजू की वो नहीं दी ही। जैसे अगर 38 चेस्ट है तो उसके हिसाब से मैंने बताया था कि कैप की शेप कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और अगर 40 है तो उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अलग अलग चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग जो कैप की शेप है वो अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप समझे तो ये वाली लाइन को अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें तो ये यहाँ आ रही है, और इधर कैप की शेप कितनी दी गई है ऊपर से लेकर यहाँ तक, सिर्फ 2 इंच, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसको हमें बिल्कुल सही ढंग से शेप देनी चाहिए। ये इनके साइज़ के अकॉर्डिंग 3 इंच होनी चाहिए, 40 के हिसाब से, 40 के हिसाब से, तो 3 इंच पे कैप की शेप होनी चाहिए। पहले मैं दोनों बाजू को एक साथ रख लेती हूँ ताकि सेम कटिंग हो। इस तरह से अब यहाँ से मैंने ये कैप के लिए निशान तो लगा लिया, ऊपर से कैप की शेप इतनी होनी चाहिए, और इसकी शेप ऐसे नहीं होती, इसकी शेप जैसे मैंने सिखाई है थोड़ा सा सीधा आइए फिर उसके बाद ऐसे जाइए ऊपर, तो यही परफेक्ट शेप देने का सही तरीका है, ठीक है। अगर आप सही शेप नहीं देंगे तो यहाँ पे आपके झोल ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल फिटिंग का नहीं बना, आपके अकॉर्डिंग नहीं है ये। अपने अकॉर्डिंग सही फिटिंग होगी तभी आपकी शेप सही आएगी। तो इसमें शेप देने में डरना नहीं है, कपड़ा कटेगा तो तभी आपकी शेप आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको शेप दे दी। इसको मैं आधे पहाड़ की शेप क्यों बोलती हूँ, ताकि आपको याद रहे आपको शेप कैसी देनी है। आपको शेप ऐसे नहीं देनी, कुछ लोग ऐसे शेप दे देते हैं ऐसे करके, वो नहीं देनी आपको, इस तरीके से शेप देनी है। इस शेप को याद कर लो और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही ज़रूरी है ये। अब इसकी स्लीव्स की एक साइड को हम खोल लेंगे, जैसे ये इसको मैंने पीछे कर लिया, इसको भी मैंने पीछे कर लिया, जो एक फ्रंट साइड जिसको हम मानते हैं वहाँ पे फ्रंट साइड के लिए शेप दे देंगे। ऐसे मैंने खोल लिया, यहाँ से मिडिल पॉइंट नाप लिया, ये वाला है, यहाँ से आधा इंच हम नीचे गए और फ्रंट साइड के जो शेप देते हैं, कैप की शेप अपने हिसाब से देंगे तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये फ्रंट पैनल की तरफ हमने मुड्डे की शेप दे दी, तभी इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये एफ है और ये वाली साइड भी एफ है, ठीक है। तो इसको अब आप जब जोड़ेंगे तो अब आपकी स्लीव्स बिल्कुल सही आएंगी। ऐसे ही आप अपने सूट में चेक कर लीजिए कि यहाँ पे शेप दी गई है या नहीं। तो यस, यहाँ पे शेप दी हुई है। अगर हम देखें कि ये फ्रंट पैनल है और ये वाला बैक पैनल से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे शेप गिवन है, तो इसके हिसाब से इसमें तो गिवन नहीं थी ना, इसलिए हमें यहाँ पर देनी पड़ी, और तभी ये वाला बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से आप अभी स्लीव्स को इसके साथ जोड़ के इसकी साइड स्टिच कर देंगे तो आपका बिल्कुल ड्रेस परफेक्ट आएगी, फिर कोई झोल नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप ये चार्ट देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ही कैप की शेप लिया कीजिए। जैसे ऊपर से कैप की शेप 3 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, कि अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी बनती है उतनी ही रखिए, ठीक है। तो niaimagination.com देखते रहें। थैंक यू।